आज ना आकर्ष की मम्मी ने लंच में आकर्ष को शाही पनीर और एक रोटी जो है खाने के लिए दी। अब आकर्ष ने वो पूरी रोटी खा ली, फिर उसके बाद उसकी मम्मी उसके लिए एक और रोटी लेकर आई। तो आकर्ष ने कहा कि मुझे इतनी भूख नहीं है, तो उसकी मम्मी ने कहा कोई नहीं, चलो तुम हाफ रोटी जो है खा लो। ठीक है, तो फुल रोटी है, इसकी उन्होंने जो है उसे हाफ रोटी जो है आकर्ष को दी और आकर्ष ने ये जो हाफ रोटी है ये खा ली। ठीक है, सब पहले आकर्ष को कितनी रोटी मिली? वन रोटी। ठीक है, वन रोटी। उसके बाद आकर्ष को कितनी मिली? एक रोटी का जब उन्हें हाफ हाफ रोटी उसे जो है और मिली, हाफ रोटी। ठीक है, सो हमने क्या किया, पूरी रोटी को हाफ पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया। अब अगर हमारे पास रोटी है, ठीक है, तो हाफ पार्ट में हम ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे तो हम करेंगे नहीं ना, है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा पार्ट आ गया और ये क्या हो गया, कम पार्ट हो गया। सो अगर हम किसी भी चीज पूरी होल चीज को एक पार्ट में डिवाइड करें या फिर हम उसे पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, सो अ पार्ट और पार्ट्स ऑफ होल, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। कंडीशन क्या है कि जो हम पार्ट्स कर रहे हैं उसके वो क्या होने चाहिए, इक्वल पार्ट्स। जैसे यहाँ पे दोनों पार्ट्स क्या है, इक्वल है, और यहाँ पे क्या है, अनइक्वल है। सो ये जो पार्ट है ये क्या होंगे, फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं है। तो एक पार्ट या फिर पार्ट्स होल के, पूरी होल मीन्स पूरी कंप्लीट चीज के, अगर हम एक पार्ट की बात करें, एक से ज्यादा पार्ट की अगर बात करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। और कंडीशन क्या है कि वो पार्ट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। ओके, अब मैंने ना कुछ सर्कल्स बनाए और इनके कुछ पार्ट्स करे, लाइक इसके कितने पार्ट्स हो गए, टू। ठीक है, और इसके कितने पार्ट्स हो गए, वन टू थ्री एंड फोर। ओके, अब इसके कितने पार्ट्स हो गए, वन टू एंड थ्री। अब इसके कितने पार्ट्स हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। ओके, इसके कितने पार्ट्स हो गए, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अब जैसे कि मैंने एक रोटी का जो एग्जांपल आपके सामने लिया था कि आकर्ष ने एक रोटी जो है खाई, उसके बाद उसकी मदर ने हाफ रोटी जो है दी, अगर मैं ये हाफ रोटी की बात करूं, तो अगर मैं इसको हाफ रोटी को लिखूं तो मैं इसे कैसे जो है रिप्रेजेंट करूंगी, कैसे मैं जो है लिखूंगी, लाइक पूरी रोटी के मैंने कितने पार्ट्स किए, टू पार्ट्स किए, वन एंड टू। तो मैंने क्या लिख दिया, टू। ठीक है, उसमें से जब मैंने टू पार्ट्स की बात करी, उसमें से एक ही जो पार्ट है उसको आकर्ष को मिला, तो हम उसको लिख दिया हमने वन अपॉन टू। तो इसका मतलब जो टोटल पार्ट्स है वो हम नीचे लिखते हैं, और जो ऊपर जितने पार्ट की हम बात कर रहे हैं वो हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से हमने जो टोटल पार्ट्स है वो नीचे लिख लिए, लाइक टू पार्ट्स इसके, इसके फोर पार्ट्स, इसके थ्री पार्ट्स, इसके एट पार्ट और इसके फाइव पार्ट्स। अब सपोज मैंने इसमें जो है ये पार्ट जो है शेड कर दिया, ठीक है, और इसमें मैंने ये पार्ट जो है शेड कर दिया, और इसमें ये वाला पार्ट, ठीक है, इसमें कितने पार्ट शेड हो गए, वन। इसमें टोटल पार्ट्स थे फोर, कितने पार्ट शेड हो गए, वन। इसमें कितने पार्ट शेड हुए, वन। अब इसमें सपोज मैंने एक ये और एक ये, तो टोटल एट पार्ट्स थे और कितने पार्ट शेड हुए, थ्री। ठीक है, और इसमें मैंने ये और एक ये पार्ट, तो कितने पार्ट हो गए शेड, टू। सो ये वन अपॉन, ये हाफ, ठीक है, वन हाफ, वन फोर्थ, वन थर्ड, थ्री एट्थ, देन टू फिफ्थ, ये क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शनल नंबर। पर अगर हम उन्हें अगर इस तरीके से लिखे वन अपॉन टू, ठीक है, इसको हम कैसे रीड करेंगे, वन अपॉन फोर, देन वन अपॉन थ्री, थ्री अपॉन एट, टू अपॉन फाइव। सो ये क्या है, हमारे फ्रैक्शंस है। कैसी क्या है ये, हमारी फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में जो नीचे वाला पार्ट है वो बताता है हमें कितने पार्ट्स हैं, और कितने पार्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हम क्या लिखते हैं, अपर पार्ट में जो है लिखते हैं। जैसे अगर सपोज मैंने फ्रैक्शन लिखी टू अपॉन फाइव, सो फाइव क्या हो गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ओके, और जो टू है उतने पार्ट्स की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सो पार्ट्स बीइंग रेफर्ड टू। सो ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिनकी जिनकी हम बात कर रहे हैं, या तो हमने उन्हें शेड किया है या हमने उन्हें बांट दिया, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। क्या कहते हैं हम उसे,
न्यूमरेटर, अपर पार्ट को हम क्या कहेंगे न्यूमरेटर, और जो लोअर पार्ट है जितने मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे डिनोमिनेटर। सो फ्रैक्शन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टोटल पार्ट्स और न्यूमरेटर जितने पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं। ओके, होप यू लाइक माय वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।